हाय, आज हम बनाने वाले हैं सूजी के दही बल्ले। इसके लिए हमें चाहिए एक कप सूजी, सेम कप से डालेंगे एक कप दही, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के ऊपर आधा कटा हुआ नींबू का रस डालेंगे। आप यहाँ पर एक इनो का पैकेट भी डाल सकते हैं। पहले इसे मिला लेंगे, फिर अब इसे पूरे बैटर में मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए। चलिए, एक अपम पैन को गरम कर लेंगे। उसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके बैटर डालेंगे। बैटर ऊपर तक नहीं डालेंगे क्योंकि ये फूलेगी। मैंने सब में डाल दिया है। अब इसे 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। 3 मिनट हो गई है। अब इसे फ्लिप करके दूसरी साइड भी पका लेंगे। फिर ऊपर से एक चम्मच तेल डाल देंगे और इसे ढककर फिर 3 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, दोनों साइड अच्छे से पक गया है। मैंने दोनों साइड अच्छे से पका लिया। अब इसे बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने सारे बाहर निकाल दिए। अब इसे गर्म पानी में डाल देंगे। इसे सॉफ्ट हो जाएगी। इसे 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। चलिए, तब तक मसाला बना लेते हैं। मसाले के लिए चाहिए एक चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवाइन, काला नमक आधा चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। अब इसे भून लेंगे 1 मिनट के लिए, जब तक थोड़ी सी स्मेल ना करने लगे। भुना भुना सा स्मेल आने लगेगा। ये देखिए, अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसे दरदरा कूट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। चलिए, देख, 15 मिनट हो गए हैं। बल्ले को देख लें। ये देखिए, फूल गई है और सॉफ्ट हो गई है। अब इसे हाथ से दबाकर इसकी पानी को निचोड़ देंगे। ज़्यादा कस के नहीं दबाएंगे, नहीं तो फट जाएगी। अच्छे से पानी को निचोड़ लेंगे। अब इसे साइड रख लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड रख देंगे। यहाँ पे मैंने अपने वो भुना हुआ मसाला रखा है। ये हरी चटनी मैंने थोड़ा सा बना रखा है। चलिए, अब सबको एक साथ असेंबल करते हैं। बल्ले रख दिए। अब इसके ऊपर डालेंगे दही। इसका टेस्ट बिल्कुल फ्राइड वाले दही बल्ले जैसे ही लगते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं।
देखिए मैंने दही अच्छे से डाल दिया। अब इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी। इसके ऊपर मैंने डाला है स्पाइसी और टोमेटो केचप। इसके ऊपर मसाले डाल देंगे जो हमने भुना था। बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये, देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जिन्हें दही बल्ले बहुत पसंद है, और कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अपने नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।